Alright, good morning. Welcome back to another lecture of Structural Organization in Animals. Right? आप लोगों ने दो लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हैं. पहला लेक्चर तो हमारा बेसिक था, सेकेंड लेक्चर सेकेंड या थर्ड लेक्चर ये फोर्थ लेक्चर है. मेबी आई रियली डोंट हैव द ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ लेक्चर्स, बट आई रियली नो व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास. Right? So what we started up in the last class, we started up with something called as simple epithelium. Correct? So simple epithelium का मतलब ही क्या है बेटा? कि the cells will be unilayered and they will be same type of cells. So that is with respect to simple epithelium. And in simple epithelium we spoke about two important type of epithelium, two major type of epithelium, that is सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. स्टेप वाइज स्टेप जाएंगे, हमने बोला पहले फ्लैट, फिर क्यूब्स, फिर कॉलम्स. राइट? तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम एंड विच इज सीन वाइडली इन योर बॉडी. कहां कहां पे होंगे? दे विल बी सीन द फ्लैट सर्फेसेस ऑफ योर बॉडी. When we spoke about simple epithelium, we also spoke about certain body cavities. So, abdominal cavity को line करने वाला simple epithelium को हम क्या बोलेंगे? Peritoneum. ठीक है बेटा? Simple squamous. तो simple epithelium में दो important नाम बताए थे हमने, tessellated and pavement. Where do we call it as tessellated? Tessellated का मतलब क्या? Wavy. Where do you call it as wavy? In the endothelium. Right? Where do you call it as pavement? In the flat surfaces like alveoli. करेक्ट? क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हमने बात किया था बिकॉज़ इसमें एक्सटेंसिव अकरेंसेस थे. राइट? क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हमने क्या बात किया था बेटा? कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन हमने बात किया था कि देयर विल बी दीज आर जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स. व्हाट डू यू मीन बाय जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स? दैट दीज आर दोस सेल्स व्हिच विल अल्टीमेटली अंडरगो मियोसिस, राइट, रिडक्शन एंड डिविजन टू फॉर्म गैमेट्स. So, जो स्पर्म सेल्स है, जो ओवम है, ये सब वंस अपॉन अ टाइम उनका प्रीकर्सर सेल कैसा था? क्यूबॉइडल शेप का. राइट? क्यूबॉइडल का एक मॉडिफिकेशन है जिसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम. अब ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम का मतलब का फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग दी अब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया. राइट? ऑल्सो अकॉर्डिंग टू अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो स्पोक अबाउट कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम थायरॉइड फॉलिकल्स में होगा. वेयर एवर यू विल फाइंड ग्लैंड्स वहां पे होंगे लाइनिंग ऑफ दी स्मॉलर ट्यूब्यूल्स. राइट? स्पेसिफिकली आई टोल्ड यू दैट आई विल गिव यू अ डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू सिंपल सिंपल स्क्वामस एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना, इन नेफ्रॉन. बिकॉज नेफ्रॉन एक ऐसा सेक्शन है जो बार बार नेफ्रॉन में अलग अलग टाइप के सेल्स एपिथेलियल सेल्स है. कंप्लीटली इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम बट नेफ्रॉन में अलग अलग टाइप के एपिथेलियल सेल्स है. वी टॉक अबाउट दैट. राइट? सो क्विक डायग्राम जिससे हम ये समझ ले, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. राइट? अ रफ डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू योर नेफ्रॉन. ठीक है? नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन रेफरिंग टू टेंथ ग्रेड से आप पढ़ते आ रहे हो. दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ नेफ्रॉन विच आई एम ड्रॉइंग, बट नेफ्रॉन कैन बी बिकॉज इस पे लेबलिंग करना है ना हमको. तो नेफ्रॉन इज कंप्लीटली कॉम्प्लीकेटेड स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट नॉट नाउ. राइट? उसके लिए टाइम है अभी. ठीक है बेटा, मेरे साथ ये डायग्राम बना लो आप. इफ यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद द स्पीड यू विल हैव टू पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द डायग्राम. व्हेन यू आर ड्रॉइंग द डायग्राम मेक श्योर ये जो ये सेगमेंट छोटा होना चाहिए, ये सेगमेंट ठीक सेगमेंट बड़ा होना चाहिए. Okay, so let's first try to label the nephron.
करेक्ट. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये देखो ये आपको इलेवेंथ ग्रेड में भी पढ़ना है ना, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि गिव फ्यू लोकेशंस ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, तो दो तीन लोकेशंस आपको यहाँ पे से मिल जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल. ठीक है, दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब. प्लीज रिकलेक्ट योर फर्स्ट क्लास, प्लीज रिकलेक्ट योर फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास में हमने दो वर्ड्स बात किए थे, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. देखो प्रॉक्सिमल क्योंकि ये मेजर फिल्ट्रेशन असेंबली के पास है प्रॉक्सिमल, और ये दूर है इसलिए डिस्टल. करेक्ट, सो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड. कॉन्व्यूलेटेड का मतलब है सुपर कॉइल्ड, कॉइल्ड जैसे कॉइल्ड जैसा स्ट्रक्चर है. सो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज ये लूप को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. अब लूप ऑफ हेनले को हम ऐसे लिखेंगे, एलओएच लिखेंगे. ठीक है, तो दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज थिक सेगमेंट. This segment is called as thick segment of LOH. Thick segment of LOH. LOH refers to loop. Loop of Henle. Henle. Loop of Henle. Cool. This is the thin segment of LOH. ठीक है, इसको यहां पर लिखते हैं थिन सेगमेंट ऑफ एलओएच. दिस इज अगेन थिक सेगमेंट ऑफ एलओएच. ठीक है, बार बार लेबल करते हैं. ठीक है, अब हम इसके अलग अलग जगह पे कैसे कैसे टाइप टाइप के फिगर है, दैट इज व्हाट वी बी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, वन पर्टिकुलर कंसर्न, if you have any particular concern with respect to not understanding the handwriting, mujhe nahi lagta ki aapko handwriting se dikkat honi chahiye, maybe wo thoda sa cursive hoga to aapko samajhne mein dikkat jayegi, but I don't think so. My board work is very shabby or my handwriting is very shabby that you are not able to understand that. But still, if you are finding it difficult to understand, please post me a message in classroom so that we can rectify, specifically I can see to it what is to be done. So let's talk about Bowman's capsule. ठीक है, so Bowman's capsule जो उसके capsule की जैसे है, एकदम cup के जैसे है, तो यहाँ पे कौन से type की cells मिलेंगे बेटा आपको? Flat. कौन से type की cells मिलेंगे आपको? Flat. ये flat cells क्या है? ये flat cells क्या है बेटा? यहाँ पे आपको मिलेंगे simple squamous एपिथीलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. ठीक है, अब आते हैं नेक रीजन पे. नेक रीजन जो है, ये नेक रीजन में होता है सीलिएटेड एपिथीलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल. छोटे से ट्यूब है ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, तो ओनली इन द नेक रीजन ऑफ बोमेंस कैप्सूल, बिकॉज यहां पे क्या हो सकता है, आपके ब्लड में से फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड में से फ्लूइड्स विल बी फिल्टर्ड, ब्लड में से टॉक्सिन्स विल बी फिल्टर्ड, राइट, अपार्ट फ्रॉम ब्लड सेल्स एंड लार्ज प्रोटीन्स एवरीथिंग विल बी फिल्टर्ड. सो सारा जो फिल्ट्रेट है ये यहां पे जमा होगा, इट विल बी कलेक्टेड. सो फॉर ये बड़े से कप में से नीचे भेजना, यू हैव टू पास इट थ्रू दी ट्यूब, राइट. ये ट्यूब को ट्यूब के थ्रू, ये ट्यूब के अंदर भेजने के लिए दी सीलिया दे फंक्शन, दे मीट इन यूनि डायरेक्शन. सो जो भी ऊपर, जो भी कप में फ्लूइड फिल्ट्रेट जमा होगा, दैट विल बी मूव्ड डाउन इनटू द ट्यूब्यूल इन द इन अ यूनि डायरेक्शनल फैशन. सो
इसीलिए आपको यहां पे नेक ऑफ दी वुमेन्स कैप्सूल में कॉन्सिडर करने के लिए हमें बेटा नेक ऑफ वुमेन्स कैप्सूल बीसी नेक ऑफ दी बीसी में कॉन्सिडर करने के लिए हम सीलिएटेड सीलिएटेड क्यूबॉइडल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अप्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है एक ऐसा रीजन है जहां पर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है राइट। तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अगर हो रहा है तो कैन आई से यहां पे और ये देखो टाइनी ट्यूब्यूल है तो यहां पे क्यूबॉइडल एपिथीलियम होने चाहिए करेक्ट। अब ये सब लोकेशन कौन पे ऐड कर सकते हो सो ये जो थिक सेगमेंट है बेटा यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथीलियम होगा। जैसे सेगमेंट थिन हो जाती है दैट विल अगेन बिकम स्क्वामस एपिथीलियम कॉमन सेंस है ना। तो ऐसे बड़ी ट्यूब है क्यूबॉइडल और फ्लैट हो गई तो दी सेल्स कैन नॉट रिमेन क्यूबॉइडल सो दे विल बिकम स्क्वामस राइट। बट आई टोल्ड यू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है तो यहां पे कंसीडर किया एपिथीलियम सिंपल क्यूबॉइडल एंड मोर ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम वेरी क्लियर सिंपल क्यूबॉइडल और मोर ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम ये कहां पे बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कुल थिक सेगमेंट ऑफ दी LOH में कौन सा होगा थिक सेगमेंट ऑफ दी LOH में भी कौन सा होगा बेटा क्यूबॉइडल एपिथीलियम बट LOH के जो थिक सेगमेंट है वो दे आर नॉट एसोसिएटेड विद मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन तो यहां पे सिर्फ कौन से होंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम एंड नो ब्रश बॉर्डर ठीक है। थिन सेगमेंट में क्या होंगे थिन सेगमेंट में विल बी सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम ठीक है। कलेक्टिंग डेप्थ में क्या होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होंगे सिंपल क्यूबॉइडल अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी अब्सॉर्प्शन हो रहा है ठीक है। अब्सॉर्प्शन हो रहा है तो सिंपल क्यूबॉइडल बट कम अब्सॉर्प्शन हो रहा है इसीलिए एंड लेस ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम इतना समझ गया क्विकली कॉपी दिस डाउन। बेटा ठीक है तो इसमें आपको तीन लोकेशंस मिल गए पहले तो स्क्वामस का लोकेशन मिल गया पहले तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम इज ग्रेटली सीन इन तो आपको ऑप्शन दे देंगे टीसीटी डीसीटी थिक सेगमेंट थिन सेगमेंट एलओएच एक्सेट्रा चार ऑप्शन तो आराम से बना सकते हैं डायग्राम देखकर ठीक है बेटा। चलो तो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट वीडियो पॉज करना पड़ेगा आपको और पॉज करके ये डायग्राम बनाना पड़ेगा ठीक है। सो लेट्स टेक अप द अदर सेक्शन थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल हो गया था अभी हम सेल्स को थोड़ा सा और खींच रहे हैं लंबा कर रहे हैं तो थर्ड टाइप इज सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम। अब सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम में क्विक डायग्राम बना लो ये द सेल्स विल बी पिलर शेप ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लो सेल्स विल बी पिलर शेप कुछ सेल्स पे ऐसे मटके जैसे बना लो दीज मटके जैसे सेल्स आर कॉल्ड एज गॉबलेट सेल्स दीज आर द सेम सेल्स विच आर प्रीडोमिनेटली अफेक्टेड बाय द कोविड 19
कोरोना वायरस जो अफेक्ट कर रहा है लंग्स के सेल्स को, वो यही सेल्स है, राइट? दैट इज द गॉब्लेट सेल्स. I am thinking of starting the assignment topics which I used to give my students. पहले I used to give them a research topic. ठीक है, तो research topic एक ऐसा होता है कि related to the subject, related to the topic, but not related to the syllabus. This is only an intention so that आप थोड़ा सा ज्यादा information gather करो, right? Ideally, I used to do this particular exercise. मैं एक टॉपिक देता था तो बच्चे उसमें से वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट सोर्स से पढ़ते थे and they used to make notes out of it. So next time, whenever in your lecture ये टॉपिक अगर ये वर्ड आता है तो you have a ready-made material with you, right? And you can keep it. ये आप ये कैसा होता है अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ, so that is my property. So I will try to make that particular notes such way in such a way that my notes are followed by people, a lot of people, right? बहुत सारी जगह पे students के notes बिकती है. I don't want to take up the names, but बहुत different areas में जो students ने बनाई हुई notes, teachers ने बनाई हुई notes, ये literally they are purchased, right? So it's extremely important to maintain your proper notes. और वो तब होगा जब आप wholeheartedly उसके लिए मेहनत करोगे. नोट्स अगर आपके परफेक्ट है सो यू डोंट हैव टू लुक आउट फॉर एनी अदर रेफरेंस बुक्स, राइट? जितना आपको मटेरियल एनसीईआरटी, दूसरा आपका नोट्स, इतने काफी है. आप रेफरेंस बुक से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा? तो मेक श्योर दैट यू ड्रॉ इट नाइसली. तो आपके लिए ये इतना बना लो. ठीक है, अब ये लंबे लंबे सेल्स है ना, खींचे हुए सेल्स है, सो ऑटोमेटिकली द न्यूक्लियस विल ऑल्सो बिकम ओवल. एंड द न्यूक्लियस ओवल शेप न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल. ठीक है, न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल्स. कैसे टाइप का न्यूक्लियस है, कैसे टाइप का न्यूक्लियस है बेटा? ओवल न्यूक्लियस. की वर्ड में कैसे टाइप के न्यूक्लियस थे? राउंड न्यूक्लियस. क्लियर? गॉबलेट सेल्स आर दो सेल्स. ये कौन से सेल्स है? गॉबलेट. देखो, गॉबलेट इज एन इंग्लिश वर्ड, राइट? गॉबलेट का मतलब होता है बड़ा सा पतीला, गावजेवन वाला. वो गावजेवन वाले पतीले होते हैं ना, जिसमें बड़ा सा आप खीर बनाते हो, दाल बनाते हो, तो बड़ा सा पतीला इस वर्ड इज गॉबलेट. गॉबलेट वर्ड आपने सुना होगा, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, है ना? तो गॉबलेट का मतलब ये है. तो एक ऐसा सेल जो आपको बड़ा सा, जिसमें आप एक बड़ा सा कप दिखता है, तो गॉबलेट सेल्स. अब गॉबलेट सेल्स बनाते क्या है? गॉबलेट सेल्स विल प्रोड्यूस म्यूकस, एंड म्यूकस इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर बॉडी. गॉबलेट सेल्स म्यूकस बनाएंगे. म्यूकस आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी. म्यूकस का क्या क्या रोल है तुम्हारे बॉडी में? डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस का रोल है फॉर द इजी पैसेज ऑफ फूड. रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस का रोल है फॉर, अब म्यूकस क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? ट्रैप्स द, बिकॉज एयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया. सो राइट, सो म्यूकस क्या करता है? व्हेन यू इनहेल द म्यूकस ट्रैप्स अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, राइट? अब बैक्टीरिया जो एंटर करने वाले सेल में वो ट्रैप हो गए, बिकॉज म्यूकस इज स्टिकी ग्लूइंग, राइट? एंड दिस म्यूकस इधर इट इज इंजेस्टेड बैक, है ना? हम इधर ये करते हैं कफ को हम थूकते हैं, राइट? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज. व्हाई डू वी से दैट? अवॉइड स्पिटिंग हियर एंड देयर. व्हाई? बिकॉज जो आपका म्यूकस में ट्रैप्ड बैक्टीरिया रहेंगे, एंड इफ यू आर स्पिटिंग हियर एंड देयर, दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिजीज स्प्रेड, राइट? सो rather than spitting up here and there, what we can do is just enter that, ingest कर लो. अब जब अगर आपने ingest कर लिया वो चीज, तो what will happen? It will technically act on your वो stomach में जाकर destroy हो जाएगा. So it is technically not having any particular major effect in your body, right? So avoid spitting, right? Or if you are spitting, also don't spit in the public places. That is what is meant by this. अब हो क्या रहा है? देखो, कोरोना में क्या हो रहा है?
कोरोना में ग्रेटली दिस पर्टिकुलर सेल्स आर अफेक्टेड, ग्लोबल सेल्स आर अफेक्टेड, राइट, वायरल डिजीज है. अब कोरोना का एक सिम्टम अगर आपने सुना होगा सूखी खांसी, राइट, सूखी खांसी का ये एक सिम्टम जो है, मतलब अगर ग्लोबल सेल्स ही नहीं रहेंगे तो म्यूकस नहीं बनेगा, म्यूकस नहीं बना तो योर कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम विल बी ड्राइड आउट. तो चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इंक्रीजेस. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब बाय चांस को इन्फेक्शन अगर हो रहा है वो इंक्रीज. ओके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं. दैट इज अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हॉट टॉपिक कोरोना. कोरोना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, इन्फॉर्मेशन निकालो. यू शुड बी कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है चलो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख लेते हैं हम. पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इफ यू कैन सी दिस, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, टॉल पिलर लाइक, पिलर लाइक और कॉलम शेप्ड सेल्स. ये पहली प्रॉपर्टी है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ओवल न्यूक्लियस एट द बेस ऑफ द एपिथेलियम, ओवल न्यूक्लियस एट द बेस ऑफ द एपिथेलियम. ठीक है, ये स्पेशल टाइप की सेल्स को क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल्स. Goblet cells are mucus producing cells. ठीक है, और ये क्या है, ये म्यूकस जो ग्रीन में हमने बनाया. ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड, अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलोनल एपिथेलियल सेल्स इज goblet cells. ठीक है, अब दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉलोनल. अब कॉलोनल एपिथेलियम की लोकेशन याद करें, मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज सीन इन दी स्मॉलर ट्यूब्स, व्हेयरएज कॉलोनल एपिथेलियम इज सीन इन दी लार्जर ट्यूब्स. अब आपके बॉडी के लार्ज ट्यूब क्या है, एक ट्यूब है एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक, करेक्ट, और दूसरा ट्यूब है आपका ट्रकिया. सो ये सब लार्ज ट्यूब्स में ये वाले सेल्स होंगे, कॉलोनल सेल्स होंगे. ओके, सो पहला जो ऑकरेंस हम लोग लिखेंगे तो दैट इज इन दी डाइजेस्टिव ट्रैक, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक फ्रॉम स्टमक टू एनस. यहां पे थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक देयर विल बी कॉलोनल एपिथेलियल सेल्स और बीच बीच में देयर विल बी गॉबलेट टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो हम इधर ऑकरेंस लिख लेंगे बेटा, कॉलोनल एपिथेलियम, वी आर ओनली डूइंग थ्री टुडे, कॉलोनल एपिथेलियम, सीरिएटेड कॉलोनल एपिथेलियम एंड सूडोस्ट्रैटिफाइड. सो वी कंप्लीट सिंपल एपिथेलियम इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. चलो ऑकरेंस लिख ले, ऑकरेंसेस, पहला ऑकरेंस हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑकरेंस इन दी एलिमेंट्री कैनाल, इन दी एलिमेंट्री कैनाल, बट स्पेसिफिकली कहां पे होंगे, फ्रॉम स्टमक टू एनस. एनल रीजन बोल लो, ठीक है, ईसोफेगस में नहीं होगा, ईसोफेगस में अलग टाइप के एपिथेलियम है, विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है, स्ट्रैटिफाइड टाइप के एपिथेलियम है, ईसोफेगस में नहीं होगा. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल. दूसरा लोकेशन है गॉल ब्लैडर,
तीसरा लोकेशन गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बाइल स्टोर करता है. ओके, इट इज प्रेजेंट इनसाइड दी इन दी पॉकेट ऑफ द लिवर. एक छोटा सा ग्रूव के अंदर वो फिक्स है. इट्स अ ब्लूइश टाइप का ऑर्गन. हिंदी में इसको बोलते हैं पित्त कोश. राइट, सो ये जो है गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है. बाइल रिड्यूसेस द एसिडिटी. राइट, पित्त कोश, दैट इज गॉल ब्लैडर. तीसरा लोकेशन ले लेते हैं यूटराइन लाइनिंग. यूटराइन लाइनिंग मतलब ऑल द एंडोमेट्रियल सेल्स. यूटरस के मतलब एंडोमेट्रियल सेल्स. सेल्स ऑफ द यूटरस. यूटरस इज गर्भकोश. राइट, यूटरस इन फीमेल. So, uterine lining, inner lining of the uterus is also made up of is also called as endometrial cell and is made up of simple columna. ठीक है, तो uterine lining हो गए. इसके अलावा आपको columna epithelium कहाँ दिखेंगे? Auditory canal में दिखेंगे. Auditory canal. Okay. इसके बाद सो दीज आर दी मेजर मेजर लोकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक है, इसके बाद ये हो गया इसका मेजर लोकेशन. एंड यू टॉक अबाउट दी फंक्शन. फंक्शन भी क्या होगा? पहला फंक्शन क्या होगा बेटा? म्यूकस प्रोडक्शन. ठीक है, सो फंक्शन में लिख लेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस प्रोडक्शन एंड ऑल्सो अब्सॉर्प्शन. गॉल ब्लैडर में अगेन अब्सॉर्प्शन. ठीक है, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. देखो एक कंडीशन, अगर गॉल ब्लैडर में आपने ये सुना होगा कि गॉल स्टोन्स होते हैं. गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स की पॉसिबिलिटी है. राइट, नाउ व्हाट आर दीज गॉल स्टोन्स? जस्ट किडनी स्टोन होता है, ही गॉल स्टोन होता है. अभी गॉल स्टोन क्यों होता है? बिकॉज गॉल ब्लैडर में से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है. राइट, तो अगर आप पानी एडिक्वेटली कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द गॉल ब्लैडर लीडिंग बैक टू सॉलिड्स, एक्युमुलेशन ऑफ सॉलिड इन द गॉल ब्लैडर. Right, so which has to be treated medicinally, medically, or you can or in serious cases gallbladder removal surgery can be done. Okay, or in extreme cases complete gallbladder is also removed. ठीक है, तो function क्या है बेटा? Function is absorption और दूसरा function क्या है? Mucus production. ठीक है, तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक है, अब फोर्थ टाइप ऑफ एपिथेलियम व्हिच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज सिलिएटेड एपिथेलियम. ठीक है, अब सिलिया और ब्रश बॉर्डर में फर्क क्या है? सिलिया और ब्रश बॉर्डर में यही फर्क है. सिलिया इज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग फ्रॉम द विदिन ऑफ द सेल, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल. एंड माइक्रोविलाय जो ब्रश बॉर्डर हम बोल रहे हैं, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो सिलिएटेड एपिथेलियम में हमको दो टाइप के एपिथेलियम पढ़ने हैं. फर्स्ट इज सिलिएटेड क्यूबॉइडल, जो क्यूबॉइडल शेप के होंगे. ठीक है, एंड अंदर से बेसल ग्रैन्यूल्स होंगे बेटा इसमें. सेल्स के अंदर बेसल ग्रैन्यूल होंगे. बेसल ग्रैन्यूल से आपके सीलिया निकलते हैं. आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? राइट, सो बेसल ग्रैन्यूल से आपके सीलिया निकलते हैं. ठीक है बेटा, ऐसे ही आपका सिलिएटेड कॉलमनर होगा. ठीक है, इसमें से भी हम ये लिखेंगे
then we have then what we have is tumulus. ठीक है, I'm erasing this much part बेटा because मेरे को भी लिखना है. चलो, तो ciliated epithelium में cilia क्या है? Hair-like tiny hair-like projections. What is cilia? Cilia is hair-like projections. ठीक है, whereas microvilli क्या है? Finger-like projections. अब ये जो सीलिया है, ये सीलिया दो टाइप के, आई टोल्ड यू इन सर्टेन केसेस सीलिया बीट करता है ना. सीलिया का फंक्शन क्या है? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट. अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कॉफिंग कर रहे हो, सो द म्यूकस विल बी पुश्ड आउटसाइड, करेक्ट? व्हेन यू आर इनहेलिंग द म्यूकस विल बी पुश्ड इनसाइड. सो एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट के लिए सीलिया हेल्पफुल है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम आप के दो टाइप के सीलिया है, टू टाइप ऑफ सीलिया. एंड दोस टू टाइप ऑफ सीलिया इज वन इज इलियो सीलिया, वन इज स्पाइनल सीलिया. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट. ठीक है, दो टाइप के हैं. वन इज कॉल्ड एज स्टीरियोसीलिया एंड द अदर इज कॉल्ड एज काइनोसीलिया. ठीक है, स्टीरियोसीलिया काइनोसीलिया. देखो काइनो वर्ड समझ में आता है, काइनो का मतलब है काइनेटिक, काइनेटिक और मूवमेंट, जो मूव कर रहा है. सो काइनोसीलिया आर मोटाइल, स्टीरियोसीलिया आर नॉन मोटाइल. ये मूव नहीं करेंगे, ये मीडियम के हिसाब से मूव करेंगे. ये मोटाइल है, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मूव करेंगे. यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, एक यूनिडायरेक्शनल टाइप के मूवमेंट में मूव करेंगे. ये अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग मीडियम मूव करेंगे. पता देखो क्या होगा. ठीक है, सो स्टीरियो काइनोसीलिया इज मोटाइल, स्टीरियोसीलिया इज नॉन मोटाइल. तो जो भी आप सेल्स के ऊपर सीलिया देखते हो, फ्लैजेला देखते हो, है ना, तो ये जो है काइनोसीलिया जो है दैट हैज 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट. दे हैव 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट. अब 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट क्या है, ये आप सेल की यूनिट ऑफ लाइफ में बॉटनी में पढ़ोगे. ठीक है, बट आपको ये याद रखना है कि माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट मतलब ऐसा है जैसे 9 अरेंजमेंट होंगे, 3-3, 3-3 एक प्रोटीन से 9 अरेंजमेंट होंगे. ठीक है, और बीच में 2 होंगे. ठीक है, तो आपको ये ऐसा दिखता है 9 रंगोली, जैसे गोल 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 गोल, ऐसे 9 अरेंजमेंट होंगे बेटा और बीच में से 2 अरेंजमेंट होंगे, राइट? सो 9+2 अरेंजमेंट, यू कैन स्टेक दी डायग्राम फॉर दिस इन दी एनसीईआरटी. ठीक है, सेल की यूनिट ऑफ लाइफ में आपको बहुत एक बहुत प्यारा सा रंगोली का डायग्राम दिखेगा इस साल दिवाली में, वही बनाना. ठीक है, तो यू कैन चेक दैट डायग्राम ऑन दी टेक्स्ट बुक, इन दी टेक्स्ट बुक, राइट? सो 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट. यहां पे कौन सा होगा? 9+0 अरेंजमेंट इज प्रेजेंट, मतलब बीच में नहीं होंगे. ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट प्रेजेंट, वेरी क्लियर. ये जो है दिस विल मूव इन यूनिडायरेक्शनल मैनर और बाइडायरेक्शनल मैनर, दिस विल मूव विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग मीडियम. ठीक है, इसके एग्जांपल्स दे देते हैं स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया. काइनोसीलिया जो है आपको कहां कहां पर दिखेगा? काइनोसीलिया विल बी सीन इन दी ट्रेकिया, इट विल बी सीन इन दी फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फिम्ब्रिए ऑफ फेलोपियन ट्यूब. फिम्ब्रिए आपने देखा होगा, फेलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर में एक ऐसा फनल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, और ये फनल यहाँ पे ओवरी होती है, याद है? ओवरी होती है, फनल शेप स्ट्रक्चर, उसपे एक फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए. ये इसको बोलते हैं फिम्ब्रिए. ठीक है, तो व्हेन द एग इज ओव्यूलेटेड, जब ओवम एग इज ओव्यूलेटेड, दिस एग मूव्स इनटू
दी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, और वो मूव कैसे करता है, बाय द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ऑफ काइनोसीलिया, राइट। तो ये जो सीलिया है, दे आर बीटिंग इन वन डायरेक्शन सच दैट सो दैट द एग इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ओवरी फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब दैट इज फ्रॉम द इनफर्टिकुलम टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। राइट, क्लियर, ये हो गया। इसके अलावा ये कहां पे होते हैं, स्टीरियोसीलिया इज नॉन मोबाइल, तो ये आपको कहां पे मिलेंगे, दे विल बी सीन द हेयर सेल्स ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ ईयर, ठीक है, कान के अंदर जो है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये समझ लो, दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेयर सेल्स बेटा, ठीक है। एक छोटे इसमें आपको मैं मैकेनिज्म बताता हूं कि जब भी आप चक्कर मारते हो, जो स्टैंडिंग एट वन पर्टिकुलर पोजिशन एंड यूर टेकिंग अप टर्न्स, राइट, और थोड़े टाइम के बाद स्टेडी होते हो, फिर आपको चक्कर से घूमने लगता है, राइट, ये क्यों हो रहा है, ऑटोमेटिक थोड़े टाइम के लिए घूमता है एंड कम्स बैक टू नॉर्मल। व्हाट डज दिस हैपन, दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक पोजिशन पे आप खड़े रहकर आप इक्विलिब्रियम पहले तो मेंटेन करने की कोशिश करते हो। सो व्हेन यू आर टर्निंग अराउंड देयर आर फ्लूइड्स इनसाइड योर ईयर, इंटरनल ईयर में देयर इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो ये वेस्टिब्यूल के अंदर हेयर सेल्स, ये वेस्टिब्यूल के अंदर फ्लूइड है, ठीक है, और ये हेयर सेल्स जो है, अगर आप चक्कर मारते हो तो आपके वेस्टिब्यूल के अंदर का फ्लूइड भी रिपल्स लेकर, मतलब इट विल ऑल्सो क्रिएट अ व्हर्लपूल, राइट, इट विल ऑल्सो टेक टर्न्स, ये फ्लूइड मूव होगा। सो जैसे फ्लूइड मूव होगा वैसे आपके हेयर सेल्स मूव होंगे, करेक्ट। सो फ्लूइड की वजह से हेयर सेल्स मूव होंगे, तो जैसे ही आपका हेयर सेल मूव होगा आपको चक्कर आएगी, दैट इज द स्टिमुलस व्हिच इज गिवन टू योर ब्रेन, राइट। सो घूम घूम के व्हर्लपूल तो शांत हो जाता है ना, जब आपने पानी में पत्थर फेंका तो रिपल्स क्रिएट होता है, कम्स बैक टू नॉर्मल, सेम कंडीशन आपके कान में होता है, राइट। सी इट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द नेचर, राइट। सो जैसे ही वो रिपल्स क्रिएट होना बंद हो जाता है, जैसे ही हेयर सेल का मूवमेंट बंद हो जाता है, आप स्टेडी इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। सो दैट इज द मेजर रोल ऑफ, मेजर एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोसीलिया। तो ये होगा विद रिस्पेक्ट टू सीलिया। अब बात करते हैं ऑकरेंसेस, ठीक है, सेम रहिए, इसके लोकेशंस आपको याद करना है सिर्फ। अब लोकेशंस फॉर सीलिएटेड एपिथेलियम के लोकेशंस लिख लेंगे हम, कहां पे होगा, अभी हमने बात किया सीलिएटेड क्यूबॉइडल का लोकेशन क्या है, इट इज सीन इन द नेक ऑफ द बोमैन्स कैप्स्यूल, नेक ऑफ द बोमैन्स कैप्स्यूल। एक ही लोकेशन याद करना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके लिए बहुत सारे लोकेशन है, ठीक है। अब ये कहां पे होगा, इसके लोकेशन में यहां पर लिख रहा हूं, वेयर आर कैन यू फाइंड दिस, यू विल बी एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम एट वेरियस प्लेसेस। पहला प्लेस लिखेंगे हम फेलोपियन ट्यूब, दूसरा लोकेशन लिखेंगे हम टिम्पैनिक कैविटी इज द कैविटी ऑफ द ईयर, कैविटी प्रेजेंट इन मिडिल ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, अभी थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, आपने वेंट्रिकल्स सिर्फ हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। सो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन क्या है, देयर आर ओपन स्पेसेस इन योर ब्रेन व्हिच इज फिल्ड विद सीएसएफ, अ फ्लूइड कॉल्ड एज सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ब्रेन को, और ये वेंट्रिकल्स के अंदर भरा हुआ है, इससे ब्रेन गेट्स अ लाइटर, इट गेट्स अ ब्योयंसी, अ फ्लोटिंग नेचर। सो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में जो सेल्स हैं, दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीलिएटेड। सो जो एपिटाइमल सेल्स ये बनाते हैं, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में। बट why do you think ciliated columnar epithelium is required there, to push the CSF tissue beam to
लेक्स, आप बोट बोटिंग भी करते हो तो आप ओर्स ओरिंग करते हो, राइट, यू मूव दोज ओर्स सो दैट द वॉटर कैन बी मूव. सिमिलरली सीलिया भी वही काम कर रहा है, इट इज जस्ट फंक्शनिंग लाइक अ ओर, ओ ए आर. ठीक है बेटा. इसके अलावा देयर शुड बी वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन होंगे, उसके बाद आपके सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी आपको यही सेम सिमिलर फंक्शन होगा फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ द सीएसएफ. तो ये ऐसा फ्लूइड है जो कंप्लीटली आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट होते रहेगा. ठीक है बेटा. तो आपका सिलिएटेड एपिथेलियम हो गया है, सिलिएटेड कॉलमनर हो गया, सिलिएटेड क्यूबॉइडल हो गया. द लास्ट टॉपिक विच इज बीन लेफ्ट इज ओनली वन छोटा सा सेक्शन है, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एंड देन वी विल बी डन विद सिंपल एपिथेलियम. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग अप विद कंपाउंड एपिथेलियम. सो क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड. अब सूडो स्ट्रैटिफाइड में आपको देखो सूडो का मतलब क्या होगा बेटा, फॉल्स. स्ट्रैटिफाइड का मतलब है लेयर्ड. तो अंडर द माइक्रोस्कोप इफ आई व्यू और टेक अ सेक्शन ऑफ सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड इफ आई व्यू इट अंडर द माइक्रोस्कोप, आई विल बी एबल टू सी टू थ्री लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स, राइट. बट अगर मैं एग्जैक्टली उसको और मैग्निफाई करके देखूंगा तब मेरे को समझ में आता है कि ये मल्टीपल लेयर्स नहीं है, दे आर एक सेल के ऊपर दूसरा सेल नहीं है, ऑल दी सेल्स आर कनेक्टेड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट. सो दे आर द सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल लेयर, बट अपीयरेंस में वो हमको स्ट्रैटिफाइड लगते हैं, इसलिए हमने उसको नाम दिया है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. ठीक है. तो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे एंड देन यू विल हैव some larger column shaped cells and some smaller column shaped cells. All of these cells, larger cells ke oval nuclei honge, smaller cells ke round nuclei honge. ठीक है. तो कुछ cells आपको छोटे छोटे दिखेंगे, कुछ cells आपको बड़े बड़े दिखेंगे. अंडर दी माइक्रोस्कोप मेरे को ऐसा दिखेगा कि ये दो टाइप के सेल्स है, अलग अलग टाइप के दो लेयर है, बट टेक्निकली इट इज अ सिंगल लेयर, हेंस आई कॉल इट एज सूडो स्ट्रैटिफाइड. सो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप के सेल्स होंगे यहां पे, देयर विल बी सर्टेन टॉल सेल्स, देयर विल बी टॉल सेल्स एंड देयर विल बी short cells. Both the cells will be attached to the basement membrane. ठीक है. Tall cells का nucleus oval, round cells का nucleus short. ठीक है बेटा. ये major characteristic feature है. तो अब बात करते हैं occurrences. Where do you find these particular type of tissue? So पहला occurrence हम लोग बात करेंगे इनकी trachea. ठीक है. ट्रकिया की ऐसा सेक्शन, मतलब आप ये समझ रहे हो योर विंड पाइप ब्रांचेस आउट टू फॉर्म टू ब्रोंकाई, है ना. विंड पाइप के दो बाइफर्केशन होते हैं, वन गोज इनटू द वन लंग लेफ्ट लंग, वन गोज टू द राइट लंग, राइट. सो ये जो जहां पे बाइफर्केशन होता है वहां पे आपको सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मिले. सी एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर नेचर और एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर बॉडी इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, राइट. सो जहां जहां पे नेचर बॉडी को रिक्वायर्ड है कि डबल लेयर मल्टीपल लेयर्स चाहिए, तो वहां पे मल्टीपल लेयर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट. सो सिंगल लेयर से जब मल्टीपल लेयर बनने वाला है तो एट दैट जंक्शन पॉइंट वी विल हैव सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. ठीक है. एंड सेकेंड लोकेशन इज मेल यूरेथ्रा, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है.
ठीक है। सो मेल यूरेथ्रा किसी कंफ्यूज करते हैं, जनरली बच्चे मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा में कंफ्यूज हो जाएंगे, फीमेल यूरेथ्रा में अलग टाइप का टिश्यू है, मेल यूरेथ्रा में अलग टाइप का टिश्यू है, ठीक है। इसके अलावा देयर विल बी सीन इन एपिडीडाइमिस, ठीक है। इसके अलावा देयर विल बी सीन इन यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। दीज वर दी मेजर लोकेशंस। फंक्शन स्पेसिफिकली ऐसा कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन नहीं है, जो बाकी सेल्स का फंक्शन है वो, जो बाकी टाइप के एपिथेलियम का फंक्शन है वही ए टाइप का, जो ये वही इस एपिथेलियम का भी फंक्शन है। सो विद रिस्पेक्ट टू सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमारे इतने लोकेशंस हैं, ये मेजर लोकेशंस थे, और बाकी के जितने भी है वो लेस इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ लोकेशन इज ऑल्फैक्ट्री म्यूकोजा, इसके बारे में हम न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल, दिस मच इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। एक लास्ट लोकेशन ले लो, डक्स ऑफ लार्ज सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड ये लार्ज सलाइवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड इज प्रेजेंट हियर, इट्स अ लार्ज टाइप ऑफ ग्लैंड। डिजीज आया था मम्स, राइट, मम्स जिसको हम बोलते हैं गाल फुगी, राइट। सो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है ना, टेक्निकली ये जो बोलते हैं ना कि कान के नीचे बजाऊंगा, दैट इज टेक्निकली हिटिंग योर पैरोटिड ग्लैंड ओनली, राइट। सो पैरोटिड ग्लैंड के लार्ज डक्ट्स में ये टाइप के एपिथेलियम होते हैं, राइट। सो वी आर डन, वी वाइंड इट अप विद समथिंग कॉल्ड अ सिंपल एपिथेलियम, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर हॉलिडे।